ना उसको सबने देख लिया था और दूसरे को हट नहीं बैठ जा आगे कैसे जा रहा है, तो पीछे बैठा उसकी मजबूरी थी। और वे आगे बैठा हुआ लड़का बड़ा धार्मिक हो रहा था। हाँ ओम नमः उत्तम क्षमा, वो सोच रहा था कि क्या बढ़िया उपदेश दे रहे, कैसे हो क्षमा कर दो। और जब जब महाराज जी को देखे पीछे वाला बच्चा चल छोड़ दे बच्चा है रहने दे क्षमा माफ माफ क्षमा है। महाराज जी को देखने के बाद वो पीछे वाले बच्चे के भाव में क्या आ गया और बीच में ये मुड़ के देखा क्या हो रहा है। देखो किसने देखा, आगे वाले बच्चे किसको देखा, देखा तुम वही देख रही थी क्या। खैर कोई बात नहीं, तो वो मैंने उसको देखा तो उसको देख के उसको फिर गुस्सा। महाराज को देखता तो क्षम हो रहा है, जिनवाने को देखता तो क्षम हो रहा है, उस बच्चे को देखता है उदय में आ रहा है। हाँ क्षय भी हो रहा है उपशम भी भाव भी दोनों हो रहे। महाराज को देखते हैं तो उसके कषायें कमजोर होकर के दूसरे में पलट रहा है, कमजोर होकर के दूसरे कैटेगरी में पलट रहा है। और देखिए क्षय क्षयोपशम क्षयोपशम में क्षय नहीं होता है, अत्यंत क्षीण होकर के कमजोर हो जाते हैं। वो धौला में लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। तो क्षयोपशम की जो परिभाषा अभी तक जो बहुत सारे ग्रंथों में किताबों में लिखा है उसमें लिखा है वो सदावस्थारूप उपशम जो बताया वो जो सदावस्थारूप जो उपशम है और उदयाबादी जो क्षय है उसको उन्होंने लिख दिया उदय का अभाव वाला क्षय। उदय का अभाव नहीं होता है, वो जो कषाएं हैं वो अत्यंत क्षीण हो जाते हैं, इतने क्षीण हो जाते दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, सम्यक प्रकृति में बदल जाते हैं। अब डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं और अधिकतर लोग डॉक्टर साहब इसका जो परिभाषा लिखी है उन्होंने ये लिखा है उदय का अभाव होना क्षय, उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब ये नहीं है वो क्षीण हो जाता है और दूसरे समय बदल जाते हैं कषाय सर्वजाति के देश जाते में हो जाते हैं। जैसे चारित्र बोले सारे जाति के बोले देश जाति में पलट जाते हैं। उद्यमी बच्चा सीधा हो जाता है, बच्चा तो वही रहता है ध्यान रखना, बोले उद्यमी बच्चा सीधा हो जाता है। देखिए उसको देखता है तो कषाएं उदय में आ रहे हैं और महाराज को जिनवाने को देखता है तो कषाएं मंद हो। देखिए आप महाराज के सामने आते हैं विनय क्यों बताए, झुक के बैठो, शांति से बैठो, विनय से बैठो, सीधे बैठो, ये सब क्यों बताया। मैं भी सोचता था कि महाराज जी ऊपर बैठते हैं, पंडित जी ऊपर बैठते क्यों बैठते हैं, ये सारे मान कषाय को मंद करने के लिए, आपस में प्रेम भाव को उत्पन्न करने के लिए ये सारी चीजें हैं। एक महाराज जी मेरे पास आए घूमने लग गए, मैंने सोचा पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं उठ करके गया भैया भाई सब आओ बैठो मेरे पास, तो बैठे बात करके जब जाने लगते मैंने पूछे घूम क्यों रहे थे, तो बोले मैं ये सोच रहा था मैं कहाँ बैठूं, मतलब पहले क्यों नहीं बैठा, मैं तो सिर पे बिठा लेता तुमको। हाँ अभी दीक्षा लिए चवन्नी है और किसी ने आचार्य दे दिए गलती से, आचार्य तो बंद हिम्मत नहीं के पास में आके बैठे, इतनी हिम्मत नहीं है, घूम रहा है खूब। मैं सोचा घूम क्यों रहा है मेरे पास में बैठो, क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाथ जोड़िए, शिष्टाचार सबसे बड़ा मार्गो धर्म है, शिष्टाचार होना भी बहुत जरूरी है। देखो अभिमान मान बोले मान सम्मान अपमान, देखिए अभिमान दुर्भिमान स्वाभिमान, स्वाभिमान सबको होना चाहिए, सम्मान सबके होना चाहिए, परंतु दुर्भिमान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अति भी नहीं होना चाहिए,
सब अपने अपने मान सम्मान में रहना चाहिए, सबके अपने अपने एक मान है। जब तक इस धरती पे है, जब तक व्यक्ति अल्प ज्ञानी है, चदमस्त है, तब तक इस मान कषाय के सहारे से आगे बढ़ता है। और मान कषाय तोड़ा तोड़ा होता ही है। आप कुछ भी कहो, किसी के पास मिथ्या दृष्टि है तो अनंत अनुबंधी मान होता है, संयमी है तो देश संयमी है तो अप्रत्याख्यान वाले को अप्रत्याख्यान वाली मान रहता है सम्यक दृष्टि को, और देश संयमी को प्रत्याख्यान वाली मान रहता है, और मुनि महाराज महावृति को संयम मान रहता है। मेरे क्यों नहीं दिया पुस्तक में उनका, दे दिया, फलाने कर दिए मेरे को, ऐसे कैसे करते, मेरे किताब नहीं छपाया, मेरे काम किया नहीं, पंडित जी ने बोला था पुस्तक लिख के लिया मेरे नाम से। हाँ, एक महाराज मेरे से लड़ रहे थे, अब पंडित जी से किताब क्यों नहीं लिखवा रहे मेरे नाम से, बोले तुम्हारे नाम से, पंडित जी क्यों लिखेंगे, तुम लिखो ना, बोले मेरे को आता तो मैं आपको क्यों बोलता, जब मैंने बोल रखा है किताब मेरे नाम से लेके जाने है, ये क्या करनी है, पंडित जी देते चलो कर रहे थे महाराज आपके नाम से, ये क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जो मान कषाय हृदय में आता है उनको पूरा फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। कई कई बार हम लोग सोच नहीं पाते, वो काम हो जाता है। अनादिकाल के बोले ऐसे संस्कार हैं, ये मोहिनी कर्म तरह तरह नचाता है। सीधे बैठ गए, हाथ जोड़िए, ओ ह्रीम श्रीम उत्तम मार्ग धर्माकाय नमः, ओ ह्रीम श्री उत्तम मार्ग धर्मांगाय नमः, ह्रीम श्री उत्तम मार्ग धर्मांगाय नमः। देखिए आप एक माला के जाप करिए रोजाना, एक एक जाप आपको इसलिए बता रहे हैं, और उत्तम मार्ग धर्म का भावना पाएंगे। और आज मैं आपको नहीं कहूँगा कि हम लोग कहते तो बहुत हैं, जब मौका आता है तो हम पीठ पीछे करके भग जाते हैं, उस समय हमें ध्यान नहीं रहता, उस समय भान नहीं रहता। बोले जब मान आता है, ज्ञान ध्यान भान दोनों हो जाते हैं, छुप जाते, पता नहीं चलता जब मान कषाय आ जाता। तो मैं अधिक नहीं कहते हुए इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सीधे बैठ जाइए, चश्मा निकालिए, अपने पास रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, मुस्कुराइए, थोड़ा नकली मुस्कुराइए चल जाएगा, कृत्रिम मुस्कुराइए, दिल्ली वालों की तरह, हाँ नहीं यूपी वाले तो फिर भी असली मुस्कुराहट है, दिल्ली वाले प्लास्टिक की तरह कर देते हैं। हाँ सीधे बैठ जाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट। अब देखो पंडित जी पूरे आ गए हैं सारे, इनकी आदत है धीरे धीरे आने की, जब महाराज जी बैठेंगे हाँ धीरे धीरे लोगों की तरफ पकड़ जाते हैं। सीधे बैठ जाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद, मन में आनंद 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 बाबा। सीधे बैठ जाओ, चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में आनंद आनंद आनंद, भगवान शांतिनाथ के समोसर में अपने आप को विराजमान करते हुए परम आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ भगवान के समोसर में 10 लक्षण पड़ेंगे, उत्तम मार्ग धर्म को अपने अंदर उतारते हुए मार्ग धर्म के साथ में मार्ग धर्म को ध्यान करते हुए भगवान के निवेदन स्वरूप अपने ध्यान करते हुए बोलेंगे, एक साथ एक स्वर में एक लय में एक ताल में संयम करके बोलेंगे, ओम नमः 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 ओम नमः
परमेश्वर में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, मंगल में हो, स्वास्थ्य चित्त हो, चेहरे पे लगाए आनंद का अनुभव करे, स्वस्थ चित्त का अनुभव। जय भगवान के, भगवान के दो क्वेश्चन। आज जो उत्तम मार्ग धर्म का आपको वर्णन सुनाया, कौन से कषाय के अभाव में उत्तम मार्ग धर्म प्रकट होता है, आप में से कोई बताएंगे? आपने बताया मामा कभी? कौन बोल रहे? हाँ तो बताओ। हाँ बाबा आप बताओ। निमिचंद जी बाबा जी, हाँ पक्का है? सही बोल रहे हो? ताली बजाओ। आओ बाबा, हाँ आगे आओ। माँ बच्चे को बोलती है तो बाप पे गया है, कौन से कसाई के उदय में बोलती है, क्या मन में आता है जब ये बोलती है? आप बोल पाएंगे? आप बोलिए। आपको कभी ऐसे लगता है? हैं? नहीं लगता है। आओ आगे आओ, ताली बजाओ। एक बात जरूर बता दूं, वैशाख नंदन गधे को क्यों कहते हैं? वैशाख महीने में घास सूख जाती है और वो गधा जब चलता है उसमें खेतों में, तो उसे खाली खाली दिखाई देते हैं, आगे बढ़ता जाता है और उसे क्या लगता है कि मैंने इतनी घास साफ करके खा ली है। ऐसा करते हैं। आज आपके महिला संगठन की ओर से एक थोड़ी सी प्रतियोगिता और कौन सा कार्यक्रम है? प्रतिभा सम्मान, पूरा बच्चों का पूरा सम्मान समारोह, ये बहुत अच्छी बात है। देखो प्रतिभा किसे कहते हैं, आज ये बता देगा जो कोई महाराज से एक माला जरूर करवाए, बोलो प्रतिभा किसे कहते हैं? आप लोग सब बोलते हो, इनसे मैंने आज एक छोटा सा अम्मा का नाम भी है, आपका नाम है, आपका माने क्या है? प्रभाएं क्या? प्रतिभाएं। अच्छा प्रभा, प्रतिभा किसे कहते हैं? तो सुनो, नवीन नवीन विचारों की उद्भाविका, माने नए नए विचार जिसको आते हैं उसको प्रतिभा कहते हैं। नवीन नवीन विचारों को पैदा करने वाली प्रतिभा होती है, इसीलिए प्रतिभा के बिना कोई कवि नहीं बनता। आचार्य विद्यासागर कवि मूक माटी लिखी है, अब आपको तो पता है 2800 पीएचडी हो गए मूक माटी पर, बहुत विशेष रूप से अब सारी यूनिवर्सिटी, सात यूनिवर्सिटियों ने उसे अपने कोर्स में प्रवेश किया है, यूनिवर्सिटी एमए के पाठ्यक्रम में चलती है और बड़ी अच्छी है प्रतिभा की। प्रतिभा कवि को महाराज जो चित्रकला करते हैं, ये प्रतिभा का परिणाम है। नवीन नवीन कैसे विचार आएंगे, कैसे चित्रांकन में करेंगे, चित्रकला और कविता बिना प्रतिभा के उत्पन्न नहीं होती। और आपसे मैं
पड़ रहा है कि शास्त्र सभा का पूरा ध्यान रखें। अगर तत्वार सूत्र का लाभ लेना है, महाराज जी ने तो आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप पंडित जी बन गए, पढ़ गए। अगर और कुछ पुनः पुनरावृत्ति करना है, कुछ और सीखना है, मैं गहराई में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि गहराई में जाने के लिए भी पात्रता चाहिए। तो तत्वार सूत्र का लाभ ले दो पर 3 बजे से, और नहीं तो रात्रि की सभा में जरूर समय से आइए। आपको कुछ देने का मन बना है, कुछ नई नई बातें अगर आप लोग संख्या में होंगे तो अधिक दी जा सकती है। मैं ये भी मानता हूँ कि 2-4 दिन भाई मुनिराजों ने एक सीए को महावीर बना दिया, ये बात जरूर है, लेकिन वो एक उदाहरण है, ऐसा नहीं है सब लोग ऐसा ही करने लगे। समझिए बाकी।